दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं ये आपको बताने वाला हूँ कि सुंदर औरतें किन किन मर्दों को ज़्यादा भाव देती है और किन मर्दों के तलवे ज़्यादातर चाटती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको जानना है ना कि सुंदर औरतों को कैसे कैसे पुरुष पसंद है और सुंदर औरतें किन पुरुषों के पीछे ज़्यादातर पड़ती है, तो आज का वीडियो आप दोस्तों पूरा देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको टोटल 3 प्रकार के पुरुषों के बारे में बताने वाला हूँ जिन पुरुषों को सुंदर औरतें ज्यादातर भाव देती है, उनके पीछे ज्यादातर हाथ धोकर पड़ती है। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए आज का वीडियो आप दोस्तों पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले प्रकार के जो पुरुष है और दोस्तों कौन से हैं कि ऐसे पुरुष जो औरतों को भाव बिल्कुल भी नहीं देते, तो ऐसे पुरुषों को ज्यादातर औरतें ज्यादा भाव देती है। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनकर तो थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि भाई जो पुरुष औरत को भाव नहीं देता, तो ऐसा यानी कि ऐसे पुरुष को कोई भी औरत ज़्यादा भाव कैसे दे सकती है। दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि औरत को ऐसा लगता है कि मैं दिखने में एकदम सुंदर हूँ, मेरे पीछे सारा जमाना पड़ता है, पर ये पुरुष मुझे भाव क्यों नहीं दे रहा। मतलब वहाँ पर उसका जो ईगो है ना, वहाँ पर उसके ईगो पर ठे जाती है। उसको ऐसा लगता है कि ये पुरुष मुझे भाव क्यों नहीं दे रहा, मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है, सारा जमाना मुझे भाव देता है पर ये पुरुष मुझे भाव क्यों नहीं दे रहा। और उस औरत को ऐसा लगता है कि मैं ऐसा क्या करूं ताकि ये भी पुरुष मेरे तलवे चाटे, और इसी वजह से वो औरत उस पुरुष के पीछे पड़ने लगती है, उसको ज़्यादा भाव देती है, उसके साथ ज़्यादा बात करती है, उसको पटाने की कोशिश करती है ताकि वो औरत उस पुरुष को अपने मुट्ठी में ला सके और उसको भी उसको भाव देने के लिए मजबूर कर सके। दोस्तों, ऐसे पुरुष को ज़्यादातर औरतें भाव देती है, क्योंकि औरत को भी भाव चाहिए होता है। तो और दोस्तों, दूसरे प्रकार के जो पुरुष हैं वो दोस्तों कौन से हैं कि जो दिखने में एकदम सुंदर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो पुरुष दिखने में सुंदर होते हैं ना, उनके ऊपर ज़्यादातर औरतें अपनी जान दोस्तों हमेशा छिड़कती है, क्योंकि औरत को ऐसा लगता है कि अगर मेरा बॉयफ्रेंड या फिर अगर मेरा प्रेमी दिखने में सुंदर होगा, जो दिखने में एकदम हैंडसम होगा, तो बाकी की औरतें मेरे ऊपर जलेगी। यानी कि उसको मतलब हर औरत को दूसरों को जलाना ज़्यादा पसंद होता है। दोस्तों, मैं सभी औरतों को तो बिल्कुल भी नहीं बोल रहा, पर ज़्यादातर औरतों के अंदर ऐसी आदत होती है, क्योंकि उसको ऐसा करना पसंद होता है जो करने के बाद पूरा जमाना उसके ऊपर जले। तो इसी वजह से सुंदर औरतें, फिर कोई भी औरत सुंदर पुरुष को ज्यादा भाव देती है। और दोस्तों, तीसरे प्रकार के जो पुरुष है और दोस्तों कौन से है कि जिस पुरुष की तारीफ ज्यादातर औरतें करती है। जी हाँ दोस्तों, यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना क्या चाहता हूं कि जो पुरुष औरतों के बीच फेमस होता है और जिस पुरुष की तारीफ, जिस पुरुष की बातें ज़्यादातर औरतों की ज़ुबान पर होती है, तो ऐसे पुरुष को भी ज़्यादातर औरतें ज़्यादा भाव देती है, क्योंकि औरत को ऐसा लगता है कि इस पुरुष की तारीफ ज़्यादातर औरतें करती है और इस पुरुष के बारे में बातें ज़्यादातर औरतें करती है, यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ तो स्पेशल होगा, यानी कि मुझे भी उसको भाव देना चाहिए और मुझे भी उसको पटाना चाहिए, और इसी वजह से वो भी औरत उस पुरुष के पीछे पड़ने लगती है। तो जो पुरुष औरतों के बीच में फेमस होता है और जिस पुरुष की तारीफ ज्यादातर औरतें करती है, तो ऐसा भी पुरुष किसी भी औरत को ज्यादातर पसंद आता है। तो दोस्तों, आई होप जो मैंने आपको बताया वो आपको सब कुछ समझ आया होगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।